स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्ट्रो टी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे क्या आपको सही में नया कैमरा चाहिए। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये आप समझिए कि हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं, मतलब हमारी उम्मीद क्या होती है। तो हमें हमेशा चाहिए कि भैया अब हमारे फ़ोटो में ज़्यादा डिटेल हो, हमारा फ़ोटो का क्वालिटी बढ़ जाए, और हमें इस तरह के फ़ोटोज़ मार्केट में मार्केटिंग मटेरियल में दिखता है। जो भी आप नए कैमरा में जाओगे तो 12 मेगापिक्सल इतना देगा, 16 इतना देगा, हमारा 50 मेगापिक्सल है, मतलब आप इस तरह का मार्केटिंग देखते हो जो हमेशा दिखाता है कि बड़े बड़े नंबर से बड़े बड़े फ़ायदे होते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं। आपको हर चीज़ में ये समझना होगा, जैसे कि कहा जाता है डिमिनिशिंग रिटर्न, पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, वो इस तरह का है। जैसे आप पैसा खर्च करते जा रहे हैं, शुरू शुरू में आप हर पैसा जो आप लगा रहे हैं उसका आपको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। जैसे आप एक छोटा सा नाइकॉन D3100 लिए हैं, उसके बाद आप ले लेते हैं नाइकॉन D5100, जमीन आसमान का अंतर है। एक का फोकस सिस्टम बहुत बेटर है, फ्लिप आउट स्क्रीन है, बहुत चीज़ अच्छा हो गया। अब आप उससे ऊपर जाते जाते तो आप ऐसे ऐसे ऊपर जाते हैं, आपकी खुशी बढ़ते जा रही है क्योंकि आपको अच्छा अच्छा कैमरा मिलते जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट के बाद ऐसा आएगा कि अब आप अगर पैसा ज़्यादा देंगे तो थोड़ा ही बेटर मिलेगा। ये होता है करीब $2000 के आसपास, मतलब समझिए 2 लाख से 3 लाख के कैमरा के आसपास ये होने लगेगा कि उससे महंगे भी कैमरे आते हैं लेकिन वो आपको उतना कुछ नहीं दे पाते हैं। मतलब आप एक सस्ते कैमरे, बहुत सस्ते कैमरे से 2 लाख के कैमरा में अंतर देखिएगा, जमीन आसमान का अंतर है। 2 लाख से 10 लाख के कैमरे के बीच का अंतर कम हो जाता है। 10 लाख से 50 लाख के कैमरा के बीच में जो कि पिक्चर्स में यूज़ किया जाता है उसमें गैप और भी कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें परफॉर्म, आपको ये मैं एकदम सीधा लिख रहा हूँ, मोर मनी इक्वल्स मोर परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। अगर आप रेड एपेक, जो कि अभी वीडियोग्राफी वर्ल्ड में सिनेमा के लिए यूज़ किया जाता है, पूरी दुनिया पागल है उसके पीछे, और बहुत बेहतरीन कैमरा है, उसमें कुछ सोचना नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका पॉकेट टाइट है और आप नेशनल ज्योग्राफी हैं या मतलब आप न्यूज़ एंकरिंग हैं, वो लोग आप देखेंगे कई बार पैनासोनिक का या कैनन का या सोनी का ये यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल वीडियो कैमरा यूज़ करते हैं, तो उसमें भी बहुत क्वालिटी है। और उसके क्वालिटी को कई बार तो जैसे नेशनल ज्योग्राफी कई सारे डॉक्यूमेंट्री हैं वो आप देखिएगा तो कहिएगा क्या बनाया। और ऐसा नहीं है कि रेड कैमरा, जो कि मतलब एक डॉक्यूमेंट्री कैमरा आपको आराम से $5000 का मिलेगा, एक फुल फ्लेज DSLR मतलब एक रेड एपिक कैमरा आपका आराम से 50,000 ले जाएगा। तो क्या ये 5,000 और 50,000 के बीच में 10 गुने का अंतर है क्वालिटी में? नहीं, क्वालिटी ज़्यादा है, ये बात सही है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है, दुगना है बहुत हुआ तो। और ऐसा नहीं अगर आप इसका फुटेज दिखाइएगा फिर इसका फुटेज अच्छे से कलर मैच करके रख दीजिएगा, आधे लोग तो बता नहीं पाएंगे कि दोनों में अंतर। ऐसा नहीं कि अंतर नहीं है, एक एक्सपीरियंस्ड आदमी बता देगा, लेकिन जमीन आसमान का नहीं है। जो आपको एक सस्ते कैमरा और एक प्रॉपर प्रोफेशनल DSLR से मिलेगा वर्सेज DSLR से बहुत हाई एंड का DSLR, ये अंतर घटते चला जाता है। तो समझिए आप दुगना पैसा डाले, आपको दुगना प्रॉफिट मिला, बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन दुगना तीन गुना पैसा डाले और तीन गुना प्रॉफिट नहीं मिला तब आप लूज कर रहे हैं। आपने 10 गुना पैसा डाल दिया और आपको दुगना ही प्रॉफिट मिला, तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल नहीं रहे। तो इसलिए एक और चीज आपको पे ध्यान देना, कॉस्ट रेशियो टू परफॉर्मेंस रेशियो। इसलिए आप जब भी कोई पैसा खर्च करेंगे, जैसे यहाँ मैं दो इमेज दिखा रहा हूँ, एक 12 मेगापिक्सल होगा, एक 24 मेगापिक्सल होगा, या एक 36 है, एक 50 मेगापिक्सल है, इस तरह का अंतर होगा, जमीन आसमान का नहीं। ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं है, अंतर है। आप ध्यान से अगर घास देखेंगे, अगर आ रहा है कैमरा पे, तो आपको अंतर दिख जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है मतलब वो इसमें सिर्फ एक हला मतलब एक धब्बा दिख रहा है, उसमें एक डिटेल दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। अब ये आप समझिए, आप पैसा खर्च करते जाएंगे आपको अच्छी क्वालिटी मिलते जाएगी, लेकिन वो क्वालिटी क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या वो एक्चुअली आपको उतना दे रही है जितना आप डाल रहे हैं पैसा, ये बात पे कृपया करके ध्यान दीजिए। पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हर चीज़ में लगता है, एक गाड़ी में भी लगता है। मतलब आप 4-5 लाख की गाड़ी लेते हैं वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, आप 50 लाख का गाड़ी ले रहे थे वो ऐसा नहीं है कि माइलेज आपको 100 किलोमीटर पर लीटर देगा, उल्टा घटने लग जाता है। हाँ, आपका लग्जरी बढ़ जाता है, आपका मतलब वो स्टैंडर्ड, फिर उसमें भी आता है कई करोड़ की गाड़ी आप ले, तब तो वो उल्टा नुकसान करता है, वो आपको बैंक से हज़ार तरह का फजीयत लेना पड़ेगा, इनकम टैक्स से डील करना पड़ेगा, वो मतलब शान दिखाने के चक्कर में। और बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आएगा कि लैम्बोर्गिनी लेकर क्यों बैंगलोर में लोग घूम रहे हैं, रोड में तो चला ही नहीं पाते ठीक से। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि मतलब एक पॉइंट के बाद आपको कुछ नया नहीं मिल रहा है। तो आपको एक चीज़ समझना होगा कि लेंसेज जो है, खास करके इंटरचेंजेबल मिरर इंटरचेंजेबल लेंस कैमरेज में, कि लेंस परफेक्ट होता नहीं है। खास करके अगर आप कोई सस्ता DSLR लेते हैं तो उसके साथ जनरली किट लेंस दिया जाता है, वो किट लेंस बहुत ख़राब होता है। मतलब अगर आप ऐसा समझिए कि DXO मार्क करके एक वेबसाइट है जिसमें मैं कहूँगा कि आप जाइए, पहले ये लोग अपडेट करते थे, अब वो बैंकरप्ट हो गए तो उसके बाद अपडेट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा पुराना डिटेल है। और आपको वो लोग एक मेट्रिक लाए जिसको कहते थे परसीव्ड मेगापिक्सल, जैसे
मेरा ये कैमरा है कैनन ईओएस 800D, ये 24 मेगापिक्सल का है, तो क्या मैंने जो लेंस लगाया है इससे 24 मेगापिक्सल आ रहा है? नहीं, वो उसका मतलब हुआ कि वो लेंस परफेक्ट है। कोई भी लेंस परफेक्ट नहीं होता। हाँ, आप ऊपर ले जा सकते हैं, आप 50% परफेक्ट है, 60% परफेक्ट है, 90% परफेक्ट है, 99% परफेक्ट है, 99.99999% परफेक्ट, 100 नहीं हो सकता। तो वहाँ पे भी आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि लेंस पे, अगर जैसे मान लीजिए आप अपना नाइकॉन का एक तो कैमरा लिए हुए हैं, सस्ता वाला डी सीरीज़ का 3000 सीरीज या D5000 सीरीज, आपको लग रहा है यार इसमें क्वालिटी नहीं आ रही, तो क्वालिटी इसलिए नहीं आ रहा है कि सेंसर ख़राब है, इसलिए नहीं आ रहा कि लेंस जो लगा है उस पर ख़राब है। तो एक एग्जांपल के लिए, इस 24 मेगापिक्सल पे अगर मैं किट लेंस लगा दूं तो 9 मेगापिक्सल का मुझे फोटो मिलेगा। मतलब अगर एक परफेक्ट 9 मेगापिक्सल का कैमरा से जो फोटो लूं वर्सेस ये 24 मेगापिक्सल से इस लेंस के साथ, तो मुझे वही मिलेगा। अगर आप अच्छा लेंस लगा दें, जैसे मैंने एक लिया हुआ है 17 to 55 millimeter, बेसिकली किट लेंस का ही है लेकिन एपर्चर फिक्स्ड है, f2.8 है, तो इसकी शार्पनेस उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरा 24 मेगापिक्सल का कैमरा लगभग कहिए 18-19 मेगापिक्सल तक पहुंच जा रहा है, और इससे भी शार्प लेंस आते हैं, लेकिन बहुत दाम बढ़ जाता है। फिर वही पॉइंट पे आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा दाम दे के बहुत ज़्यादा जमीन आसमान का अंतर नहीं आएगा, लेकिन मेरा अब वही सेंसर जो आपके पास है लेंस के चलते सुधर गया, मतलब लेंस के चलते बेटर इमेज देने लगा। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पहले आप कैमरा में ही बदल दें, उससे पहले आप सोचिए। हाँ, अगर मान लीजिए आप ट्रेनिंग के लिए लिए थे, आप एक छोटा DSLR की भाई प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए कैसे हैंडल करना, बाद में हम बढ़िया से कैमरा लेंगे बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप कैमरा इसलिए बदल रहे कि आपको उसका इमेज पसंद नहीं आ रहा, तो ध्यान दीजिए कि लेंस अच्छा है कि नहीं। किट लेंस एक बेसिक लेंस बनाया जाता है, वो सबसे सस्ता बना सकते हैं वैसा ही बनाते हैं। तो आप ये समझिए कि हर चीज़ में आप जो पैसा देते जाते हैं उस पर आपको शार्पनेस मिलती जाती है, फोटो में शार्पनेस आता है, लेकिन ये एक रेशियो में आता है, गारंटीड एक्स में नहीं आता। जैसे मान लीजिए आपका 10,000 रुपये का कैमरा है वर्सेस 50,000 का कैमरा, तो 5 गुना बेटर हो जाए, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। 5,000 का ये 50,000 का कैमरा वर्सेस 5 लाख का कैमरा में उतना जंप नहीं आएगा। और इसका अगर आप अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, आपको मैं कहूँगा कोई भी बहुत हाई मेगापिक्सल फ़ोटो का, आप कोई भी रिटर्न चीज़ का फ़ोटो खींचे, जैसे अखबार का या कोई भी लिखा हुआ लाइन का, और उसको आप 12 मेगापिक्सल का या 20 मेगापिक्सल का से फ़ोटो खींचिए, आप 5 गुना से ज़्यादा बड़ा आपका फाइल हो गया है, लेकिन 5 गुना ज़्यादा डिटेल नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है अरे एकदम बढ़िया से पढ़ ले, तो ऐसा नहीं कि उसमें डिटेल नहीं है, उसमें बहुत डिटेल है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, डिटेल बहुत है, लेकिन उतना नहीं है। मतलब आप तुरंत देखिएगा तो एकदम ऐसा नहीं होगी, हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग का ऐसा मोबाइल कैमरा में फ़ोटो खींचते थे, अब ऐसा आ गया है। तो अब इससे ऊपर जाइएगा तो अब ऐसा नहीं कि इससे ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम ये पहला सोनी का मैं कैमरा जो फ़ोन जो अच्छे से यूज़ किया हूँ वो था सोनी इरेक्शन K810i साइबर शॉट, बेमिसाल कैमरा था। इससे बेटर कैमरा तो अभी तक मुझे कोई नहीं मिला, और इसमें ज़ीनॉन फ्लैश था, तो फ्लैश फुल स्पीड पे करता था, बहुत लाइट आती थी और बहुत अच्छे फ़ोटो आए हैं। मैं अभी भी रखा हुआ इसका कई सारे फ़ोटो। तो इसका इस्तेमाल करके ये 3 मेगापिक्सल 2007 या 2008 के आसपास आया था। अभी इस वक्त आप 12 मेगापिक्सल से ऊपर क्यों नहीं जा सकते? आपके सब कैमरा में देखिए 12 से 24 के अंदर मोबाइल कैमरा रुक गया है। क्या ऐसा नहीं है कि मोबाइल कैमरा नहीं ऊपर जा सकता? जा सकता है। नोकिया ने तो एक कैमरा उतारा था जो 50 मेगापिक्सल का था, कुछ लोगों ने तो ट्राई 100 मेगापिक्सल का भी किया। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन जितना ज़्यादा पैसा लगेगा उतना वो नया चीज़ नहीं दे रहा, उतना आपको कोई खासियत नहीं दे रहा कि लोग खर्च करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आपका मान लीजिए कोई गाड़ी है, आपका 50 किलोमीटर प्रति लीटर दे रहा है और 5 लाख मांग रहा है, आप बोलोगे बहुत बढ़िया। लेकिन कोई बोल रहा है 50 लाख में हम 55 लीटर पर किलोमीटर देंगे, तो 55 किलोमीटर पर लीटर देंगे, तो कोई नहीं बोलेगा ना भाई नहीं, उतना पैसा में हम तेल ला देंगे। तो ये समझिए, ये रेशियो का आपको समझना पड़ेगा। और ये पूरी टेक इंडस्ट्री में हो रहा होगा, बहुत लोग, आप इतने उम्र हो गया होगा कि आपको 5 मेगाबाइट का SD कार्ड आता था। मेरे पास तो एक 64 मेगाबाइट का SD कार्ड था, मतलब MP3 तो थे भी नहीं उस टाइम। टोन्स को हम लोग स्टोर करते थे, एक दो फोटो या जिफ स्टोर करते थे, लेकिन उससे आप आगे बढ़े, अब तो गीगाबाइट 64 गीगाबाइट 128 गीगाबाइट। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि 1-2 टेराबाइट का SD कार्ड आने लगा, अभी तक नहीं आता है एक भी SD कार्ड का जो आप खरीद सकते हैं। और आप अगर दाम देखेंगे तो 128 GB का कार्ड का जितना भी दाम है उसके दुगने दाम पे आपको 256 GB नहीं मिलेगा, दुगने से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, बोले 256 से 512 चलते हैं, वो दुगना नहीं है, वो 6 गुना दाम हो जाता है। तो आप ये समझिए कि टेक इंडस्ट्री में भी यही हो गया कि पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे पहुंच गए हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में वो पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पीछे चलाता जाता है, लेकिन ये हमेशा रहेगा। तो आप किस चीज़ पे खर्च कर सकते हैं जिसके बाद आप खुश रहें?
तो ये कुछ जस्ट एक कुछ एग्जांपल है, जैसे कि मैंने आपको कार्ड के बारे में बताया. सबसे बड़ा झंझट होता है कि मतलब 256 जीबी का कार्ड को अगर आप 512 से कंपेयर करेंगे, दाम 4 से 5 गुना होता है. लेकिन मान लीजिए आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको बहुत सीरियस है डेटा, लेकिन आप चाहते हो यार ज़्यादा जगह हो, ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर सकूँ, तो आप डुअल कार्ड वाले ले लीजिए. कोई डुअल कार्ड वाले में ये फायदा होगा, एक फुल हो गया तब दूसरे में करेगा. या मान लीजिए किसी की शादी की फोटो वोटो खींच रहे हैं और आप सीरियस हो काम में, आप नहीं बोलना चाहोगे कि भैया आपका कार्ड के चलते उड़ गया फोटो, तो आप दो कार्ड में दोनों में बैकअप रख सकते हैं, दोनों में रिडंडेंसी रख सकते हैं. आपके पास ये ऑप्शन सेफ्टी के लिए है, ज़रूरी नहीं कि ये आपको चाहिए, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है. दूसरा, फ्लिप आउट स्क्रीन, ये बहुत ही ज़िंदगी को आसान और आरामदायक बना देता है, खास करके जो लोग सेल्फ़ी करना चाहते हैं. हाँ, DSLR से सेल्फ़ी करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लोग करते हैं, मैं भी किया हूँ. और मैं अभी इसी DSLR का इस्तेमाल करके अपना वीडियो बना रहा हूँ. ये इसलिए पॉसिबल है कि उसका स्क्रीन फ्लिप आउट होकर बाहर आ जाता है, इस तरह से बाहर आ जाता है. फ्लिपकार्ट स्क्रीन है, टच स्क्रीन है, ये सब चीज़ आपका आसान औजार का इस्तेमाल करना बहुत आसान कर देगा और आपको काफ़ी मज़ा आएगा. फिर आज के वर्ल्ड में, अभी के मतलब दुनिया में EVF का चलना है. ये EVF का मतलब आप ये समझिए कि DSLR में कांच से आपको ऊपर दिखता है कि क्या आ रहा है. ठीक है, सब चीज़ दिख रहा है, बहुत बढ़िया है, क्या आ रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपका सेंसर वो चीज़ नहीं खींचेगा. सेंसर में सेटिंग्स होते हैं, जैसे ISO है, शटर स्पीड है, तो ये सबसे एक्सपोजर में क्या अंतर हो रहा है ये आपको नहीं दिख रहा. तो हम लोग DSLR वाले का जो नए नए सीखते रहते हैं उनका आप देखिएगा, फोटो खींचे, देखे, अच्छा फिर फोटो खींचे, अरे ये एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, कम करो ISO, अच्छा फिर खींचे, अरे बहुत कम हो गया, थोड़ा सा हम शटर स्लो कर देते हैं. ये सब करना पड़ता है, चिंपिंग जिसको कहा जाता है. अगर आप वहीं देख पाए जो कि EVF आपको करने देता है, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, तो आप आराम से देख सकते हैं. उसी में आपको तुरंत ही पता चल जाए ओवर एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, तो थोड़ा शटर का बढ़ा दें या ISO घटा दें, या जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको तुरंत दिखेगा, आपको फीडबैक तुरंत मिलेगा. तो जस्ट ये इस्तेमाल करने से आपका बहुत आसान हो जाएगा. और अगर कैमरा आसान है यूज़ करना, तो आप ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा फोटो आएंगे तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी क्वालिटी बढ़ेगी. तो आप समझ सकते हैं कि ये सबसे काफ़ी हेल्प हो जाता है. फिर हम आते हैं IO के बारे में, इनपुट आउटपुट जो आपके DSLR में होता है. कई साल तक DSLR चिपका हुआ था, कुछ नहीं देता था, अब थोड़ा चीज़ देने लगे. जैसे कि आप मान लीजिए माइक इनपुट है कि नहीं, रिमोट इनपुट है कि नहीं, जैसे रिमोट में एक इंटरवलोमीटर टाइम लैप्स बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, मेरे कैमरा में लेता है. माइक इनपुट है कि नहीं, तभी वो भी है इसमें. क्या इसमें हेडफोन आउट है, जो मतलब व्लॉगिंग करते हैं वो देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि उनका ऑडियो क्लिप हो रहा है कि नहीं, क्या वो है कि नहीं, क्या उसमें क्लीन HDMI आउटपुट है कि नहीं, कि आप किसी HDMI को किसी कार्ड रिकॉर्डर में डाल के या एक एक्सटर्नल रिकॉर्डर में डाल के रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं. अगर क्लीन है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते, तो वो सब भी आप देखना चाहोगे. तो ये और सबसे ज़रूरी चीज़ जो अभी तक मैं परेशान हूँ कि DSLR में क्यों नहीं है, कि सब DSLR में नहीं आता कि USB चार्जिंग, लेकिन सोनी के में आते हैं और मिररलेस नाइकॉन जो अब लॉन्च किया उसमें भी USB-C से चार्जिंग हो जाता है. तो ये सब देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, ना कि मेगापिक्सल में ऊपर जाना. आप मान लीजिए 24 मेगापिक्सल से ऊपर जाइएगा तो आपको बहुत कम अंतर मिलेगा. 36 मेगापिक्सल से 50 मेगापिक्सल या बीच का अंतर तो मतलब लोग खोज के निकाल रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा डिटेल है. ऐसा नहीं कि डिटेल नहीं है, ज़्यादा डिटेल है. अगर आप कंप्यूटर में डाली, कंप्यूटर सीधे बोल देगा ज़्यादा डिटेल है, लेकिन वो आँख को नहीं उतना अच्छे से दिखता. और आप हर फोटो को एकदम जूम करके कंप्यूटर में नहीं देखते रहेंगे ना, फोटो का क्या करेंगे, एंड में प्रिंट करेंगे या बिलबोर्ड में लगाएंगे. और हम लोग वो सब तो 8 मेगापिक्सल पे कर लेते थे, तो आप समझ लीजिए 80 मेगापिक्सल से कोई खास फर्क नहीं पड़ जाएगा. तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, क्या आपको नया कैमरा चाहिए कि नहीं. तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, थोड़ा नया पर्सपेक्टिव मिला हो. अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिए. और एक कमेंट लिखिए कि आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहिए. मैं अगले एपिसोड में कैनन मिररलेस के बारे में बात करूंगा. और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, ताकि आपको पता चलता रहे मैं कब कब वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ. आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई. धन्यवाद.